आलिया फॉरेन में पढ़ी लिखी मॉडर्न और बदतमीज लड़की थी। वो 5 साल बाद इंडिया आई थी, अपने संस्कारों और रीति रिवाजों को धोकर पी गई थी। उसकी माँ कौशल्या और पिता दशरथ दोनों ही अपनी बदतमीज बेटी को अच्छे संस्कारों और महान भारतीय संस्कृति से परिचित करवाना चाहते थे, लेकिन क्या बदतमीज जिद्दी ढीठ आलिया इतनी आसानी से मानने वाली थी? गुड मॉर्निंग पॉप्स। ये क्या है, पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं माँ बाप के? जब से विदेश गई है संस्कार तो मानो भूल ही गई है। जस्ट चिल पॉप। संस्कार? हाउ डू यू नो हिम? वो तो मेरा 5वां बॉयफ्रेंड था। हैं? क्या बोल रही है? नथिंग पॉप्स, मैं एरोबिक्स करने जा रही हूँ। चाचा बाय। अपनी बिगड़ती लाडली को सुधारने के लिए दशरथ के मन में एक ख्याल आता है, जो कि वो अपनी पत्नी से साझा करता है। सुनो, मैंने आलिया के लिए कुछ सोचा है। क्यों ना हम इसकी शादी किसी संस्कारी फैमिली में करवा दें, ताकि वो यहाँ के रीति रिवाज भी सीख सके। मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रही थी। कौशल्या और दशरथ मिलकर अपनी बेटी को शादी करने के लिए मना लेते हैं और कुछ दिन बाद आलिया की शादी संस्कारी परिवार के एक लड़के वरुण से हो जाती है, जिसके माता पिता बेहद ही धार्मिक विचारों के थे। वो अक्सर पूजा पाठ में लीन रहते थे। उन्हें भी अपनी बहू बड़ी प्यारी और गुणवान लगती थी, साथ ही वो उसकी गलतियों को नजरअंदाज कर दिया करते थे। पर एक दिन तो Hey mom, look at me, looking hot or not? अरे बेहया, क्या पहन लिया? तेरे ससुर जी आ जाएंगे। अरे जा अंदर जा। Oh please mom, बुराई ही क्या है इन कपड़ों में? वैसे भी आप चलती हैं मुझसे। स्मेल भी आ रही है। अरे बेशरम, सास को कंघा मारती है, आने दे मेरे बेटे को, बताऊंगी तुझे। इस तरह आलिया की बदतमीजी बढ़ती ही जाती है। ऐसे ही एक दिन उसकी ननद चिंकी की शादी के लिए रिश्ते वाले आते हैं, पर बेशरम आलिया बगैर किसी की परवाह किए टॉवल लपेटे सबके सामने आ जाती है। उसे देख सब हक्के बक्के रह जाते हैं। हाय राम, ये कौन है? ऐसे कैसे आ गई? इतना सरप्राइज होने की क्या बात है? कोई अजूबा हूँ क्या मैं? Who's the guy here? आई वो मैं हूँ। Okay, what do you do? अरे निर्लज, ये क्या अंग्रेजी झाड़ रही है? बेहया, कपड़े तो पहन लेती। हाय हाय, जरा भी तमीज नहीं है। जी वो थोड़ा मॉडर्न है, विदेश से पढ़ के आई है ना। समझने की कोशिश कीजिए आप प्लीज। अरे तमीज तो इन लोगों में नहीं है, पता नहीं किस किस को उठाकर घर में ले आते हैं। एंड बाय द वे, ये मेरा घर है, मैं टॉवल में घूमूं या बिना टॉवल के, फैसला मेरा है। लड़के वाले ये बात सुन गुस्से से तिलमिलाते हुए वहाँ से चले जाते हैं और चिंकी का रिश्ता टूट जाता। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस स्टोरी को लाइक और शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। ये देख वरुण के घर वालों को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। अरे ये लड़की है या आफत, इसके घर वाले इसे कैसे झेलते थे? अरे महारानी, ये कोई कपड़े हैं? अभी तक तो जीन्स टॉप में देखकर झेल रहे थे तुझे। हाय राम, अब तो सरेआम टॉवल में घूमती है। अरे लिहाज शर्म सब धो के पी गई है क्या? आलिया जाओ जाके कपड़े पहनो, तमीज नाम की चीज नहीं है। ये अभी तो कपड़े ही है ना वरुण। अरे करमजली, बेशर्मी की हदे पार करती ही जा रही है तू। जाकर ढंग के कपड़े पहन, वरना आज तेरी खैर नहीं है। हाँ जा रही हूँ, पता नहीं कैसे लोग हो तुम, फैशन तक नहीं जानते। ऐसे ही आलिया दिन पर दिन बेशर्मी पर उतर आती है
और वरुण को उसकी हरकतें देख हमेशा ही गुस्सा आता रहता है। इसी तरह एक दिन आलिया की कुछ सहेलियां उसके घर आती हैं, जिन्होंने छोटे छोटे कपड़े पहने होते हैं, और उसकी सास को साड़ी में देख वो कहती हैं, यू ये कैसे गंवार लोग तेरे पल्ले पड़ गए आलिया, ये क्या पहना हुआ है इन्होंने। ओ डार्लिंग क्या बताऊँ, ये सब के सब गंवार हैं, एकदम बात तक करनी नहीं आते इन्हें। अरे यार इससे बेटर कपड़े तो मेरा माली पहनता है यू नो। अरे छोड़ो यार, तुम भी क्या बात लेके बैठ गए, जस्ट एंजॉय। देखिए अतिथि देवो भव, सुना होगा ना आपने, बहुत इज्जत करते हैं हम हमारे मेहमानों की, लेकिन आप लोग जो मेरी माँ के साथ बदतमीजी से बात कर रहे हैं वो मैं कतई नहीं सहूंगा, बस आप लोग चुपचाप यहाँ से चले जाइए। उसकी सहेलियाँ मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती हैं और आलिया को ये सब देख बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने पति को सबक सिखाने के लिए पागल खाने फोन करके उसकी शिकायत दर्ज कर देती है। तभी पागल खाने वाले उसके पति को लेने आते हैं। अजी बताइए कौन है आपके घर में पागल? ये है वो मेरे पति वरुण, ये अपना होश खो बैठे हैं, घर वालों पर चिल्लाते हैं, बच्चों की तरह हरकतें करते हैं। सीरियसली मैं इनसे बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। पागल औरत क्या बोल रही है तू, दिमाग ठिकाने है तेरा? चलो ले चलो इसको और डाल दो पागल खाने में। अरे कमाल कर रहे हो भाई साहब, मैं पागल हूँ क्या? पागल दिखता हूँ मैं आपको? ये औरत पागल है, पूरी की पूरी पागल। अरे हाँ हाँ पता है, हर पागल यही तो कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ। ऐसे ही आलिया अपने पति को पागल खाने भिजवा देती है, जहाँ वरुण अपना होश खो बैठता है और आलिया से नफरत करने लग जाता है। ये सब देख उसकी माँ आलिया को घर से निकाल देती हैं और वो अपने मायके चली जाती हैं। बेटा अब तो यहाँ नहीं रह सकती, क्योंकि हमारे यहाँ रिवाज है कि एक बार बेटी विदा कर दी तो दोबारा मुड़कर मायके में नहीं आ सकती। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ बेटा, अपने ससुराल चली जा। What the hell, pops? ये भला कौन सा रिवाज हुआ? अरे कैसी बीवी है तू, अपने पति को पागल खाने भिजवा दिया, यहाँ हम तुझे नहीं रहने दे सकते, कल को तू हमें भी पागल खाने भिजवा देगी तो हमारा क्या होगा? मॉम ये क्या कह रही हैं आप लोग मेरे अपने हैं और ये मेरा घर है, भला मैं आप लोगों को पागल खाने क्यों भिजवाऊंगी? क्योंकि बेटा तेरा दिमाग खराब हो चुका है, मुझे तो शर्म आती तुझे अपनी बेटी कहने में। आलिया को बहुत दुख होता है और वो अपने ससुराल जाकर अपने सास ससुर से माफी मांगती है। अरे अरे ओ डंकनी, अब कौन सा डंक मारने आई है, हम अपने बेटे को छुड़वा लेंगे, अरे तू चली जा यहाँ से। नो नो मॉम, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मेरी गलती का एहसास है और मैं उन्हें अभी के अभी घर वापस लेके आती हूँ। ये कहकर आलिया वरुण को छुड़वाने पागल खाने चली जाती है और अपने साथ घर वापस ले आती है, लेकिन वरुण अब उससे बहुत ज्यादा नफरत करने लग जाता है। देखो मेरी नजरों से दूर हो जाओ तुम, मेरे हाथ से कहीं तुम्हारा खून ना हो जाए और फिर मुझे जेल जाना पड़ेगा, इससे अच्छा तो मैं पागल खाने में ठीक हूँ। वरुण डार्लिंग प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, आई नो उस दिन मैंने जो भी किया वो बहुत गलत था एंड मैं बहुत रिग्रेट हूँ उसके लिए, प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे मॉम डैड ने भी मुझे घर से निकाल दिया, फाइनली अब तुम तो मुझे एक्सेप्ट कर लो। आलिया की बात सुनकर वरुण को उस पर तरस आ जाता है और वो उसे माफ कर देता है। वरुण के माफ करते ही आलिया खुशी से उसे सबके सामने जोर से गले लगा लेती है। धीरे धीरे वो सभी संस्कारों और रीति रिवाजों को सीख अपने सास ससुर की सेवा करती है और अपने पति से बदतमीजी करना भी बंद कर देती है। एक जिम्मेदार बहू की तरह अच्छे से अपनी जिम्मेदारियां निभाने लग जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको बदतमीज टॉवल वाली बहू? अगर आपके आसपास भी इस तरह की बहुएं हैं तो चुपके से हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस स्टोरी को लाइक और शेयर करें और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। शारजापुर नाम के शहर में एक रेवती नाम की लड़की रहा करती थी। वह बहुत ही सुंदर दिखा करती थी।
कॉलेज में उसके बहुत से लड़के दीवाने थे। अब एक दिन रेवती अपनी माँ से, गुड मॉर्निंग मॉम, मुझे कुछ पैसे चाहिए, कुछ काम है। अरे तुम्हें पैसे किस लिए चाहिए? अरे माँ, कॉलेज में फंक्शन है, इसलिए मुझे कपड़े खरीदने हैं, मुझे पैसे दे दो। हाँ ये लो पैसे, मगर जो वापस आए वो मुझे दे देना। जी माँ। रेवती ऐसा कहकर वहां से पैसे लेकर चली जाती है और दुकान से ड्रेस लेकर बाकी के पैसों से अपना मेकअप का सामान खरीद लेती है। ये सब बातें वो घर आकर अपनी माँ को बताती है। माँ, मैं तुम्हारे दिए हुए पैसों से ये ड्रेस और मेकअप का सामान लेकर आई हूँ। अरे अभी तो तुम महीने पहले सामान लेकर आई थी और अभी और लेकर आई हो, ऐसा करोगी तो हमें चंदन लग जाएगा। अरे माँ, कुछ चंदन नहीं लगता, तुम्हें पता है तुम्हारी बेटी कितनी खूबसूरत है, सारे कॉलेज के लड़के मरते हैं इस चेहरे पर। क्या अनाप शनाप बक रही हो, पता भी है? जस्ट चिल माँ, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा कहकर रेवती वहां से चली जाती है। राधा मगर रेवती के बारे में सोचकर हॉल में बैठ जाती है। तभी रेवती के पिताजी सुभाष वहां आ जाते हैं। क्या हुआ है राधा, बड़ी चिंता में दिख रही हो। अरे इस लड़की का क्या करूं मैं, बहुत बदतमीज हो गई है, पैसों की तो कोई अहमियत ही नहीं है इसको। मेरे दोस्त का लड़का है रवि, बहुत पढ़ा लिखा है और अच्छी जॉब भी करता है, बैंक में मैनेजर है, उसकी शादी के लिए लड़की देख रहे है। मैं सोच रहा हूँ कि हमारी रेवती अब बड़ी हो गई है, क्यों ना हम उसकी शादी कर दे तो वह बड़ी और समझदार बन जाएगी। हाँ वैसे आप सही कह रहे हो, जिम्मेदारी पड़ेगी तो ये सीधी भी हो जाएगी और ये रिश्ता भी अच्छा है। तो मैं कल ही बात कर लेता हूँ, शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। जी जैसा आप ठीक समझे, मैं रेवती को कल सुबह इसके बारे में बता दूंगी। चलो अब सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठना है। जी चलिए। ऐसा कहकर सुभाष और राधा सो जाते हैं। अगले दिन रेवती की माँ उसको सारी बातें बता देती है और रेवती भी लड़का देखने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन रेवती के घर रवि, उसकी माँ शीला और उसके पिताजी किशन आते हैं। थोड़ी बातें हो जाने के बाद राधा रेवती को लेकर वहाँ आती है। रेवती दिखने में सुंदर होने के कारण रवि को वो देखते ही पसंद आ जाती है और तभी रवि के घर वाले इस रिश्ते के लिए हाँ कह देते हैं। कुछ ही दिनों बाद उनकी शादी हो जाती है। रेवती नई होने के कारण उसकी सास को कोई मदद नहीं किया करती थी। उसकी सास एक दिन, अरे ओ बहू, जरा चाय बनाओ हम सबके लिए, आज तुम्हारे हाथ की चाय पियेंगे। माँ जी मुझे चाय नहीं बनानी आती। क्या तुम्हें चाय भी बनानी नहीं आती? नहीं माँ जी। खाना तो आता है ना? नहीं माँ जी, मैंने आज तक कुछ भी बनाया नहीं है। क्या कह रही हो, अब थोड़ा थोड़ा सीख लो, अब के बाद तुम्हें ही यह गृहस्थी संभालनी है। नहीं माँ जी, मैं तो अभी शादी होकर आई हूँ, मुझे ये सब काम नहीं आते और मुझे अभी के लिए मेरी सहेलियों के साथ जाना है। अरे बहू, आज घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं तुम्हें देखने के लिए, तुम रुक जाओ। माँ जी मैंने अपनी सहेलियों को प्रॉमिस किया है, मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ सकती। ऐसा कहकर रेवती वहां से अपने कमरे में चली जाती है और तैयार होकर छोटे छोटे नए फैशन के कपड़े पहनकर आती है। तभी उसकी सास और ससुर हॉल में ही बैठे होते हैं। अरे बहू, ऐसे कपड़े पहनकर कहाँ जा रही हो, कुछ शर्म है या नहीं? मैं अपने सहेलियों से मिलने जा रही हूँ तो ऐसे ही कपड़े पहनकर जाती हूँ, आपको पता नहीं है क्या? अरे बहू, साड़ी में ना सही, पर तुम पंजाबी ड्रेस पहनकर जा सकती हो ना? मैं पहले से ही ऐसे कपड़े पहनती हूँ सासू माँ। अरे शीला, मेरी चाय लेकर आओ, वही बातें करोगी क्या? हाँ अभी लेकर आती हूँ, और बहू तुम घर जल्दी आना, ठीक है? ये सास भी ना बहुत रोक टोक लगाती रहती है, जाने दो, मैं तो मेरे फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। ये लीजिए आपकी चाय। और आपने तो बहू को कुछ भी नहीं कहा ऐसे कपड़े पहनने पर, बेशर्मी की भी कोई हद होती है। जाने दो भाग्यवान, धीरे धीरे इस घर के सारे तौर तरीके सीख जाएगी हमारी बहू। मुझे तो नहीं लगता, यहाँ तो चाय बनानी भी नहीं आती, तौर तरीके तो दूर की बात है।
ऐसा कहकर शीला अपना काम करने किचन में चली जाती है। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस स्टोरी को लाइक और शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, तभी घर पर रेवती की कुछ सहेलियां आ जाती है। हाय रियू, कैसी हो? और ये काम वाली रखी है क्या तुमने? हाय सोना शिवानी, कैसी हो तुम? ये मेरी सास है, आओ बैठकर बातें करते हैं। ऐसा कहकर सोना, शिवानी और रेवती बैठकर बातें करने लगते हैं। उसी समय रवि ऑफिस के लिए निकलता है और उन सहेलियों की बातचीत उसके कानों पर पड़ती है। तभी रवि, अरे रेवती, ये कौन है हमारे घर पर? रवि, ये मेरी दोस्त है, मुझसे मिलने यहाँ आई है। अच्छा, मगर तुमने इन्हें बताया नहीं कि माँ के बारे में कुछ कहा तो मुझे पसंद नहीं है, और ये माँ को काम वाली कह रही है, और तुम चुप हो? जाने दो ना रवि, क्यों बात का बतंगड़ बना रहे हो? तुम्हें समझ में आना चाहिए रेवती, किसकी हैसियत क्या है, समझी? ऐसा कहकर रवि वहाँ से चला जाता है। रेवती की सहेलियाँ भी खुद का इंसल्ट होने की वजह से जाने के लिए निकलती है। अरे रेवती, हम निकलते हैं, बहुत देर हो गई है। हाँ चलो, बाय रेव। अरे यार रुको तो सही, इनकी बातों को दिल पर मत लो, रुको। हमारी ऐसी इंसल्ट किसी ने नहीं की, बाय। ऐसा कहकर सोना और शिवानी वहाँ से चली गई। ये सब देख रेवती को बहुत गुस्सा आया और उसने पुलिस स्टेशन फोन लगाया और पुलिस से, नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। नमस्ते जी, कहिए। मुझे एक कंप्लेंट दर्ज करनी है, मेरी सास और पति मुझे कुछ भी भला बुरा कहते हैं, आप यहाँ आकर उनको समझाइए ना। हम अभी आते हैं। जी इंस्पेक्टर साहब। ऐसा कहकर रेवती अपना फोन रख देती है, तभी उसके पीछे सास खड़ी दिखाई देती है। तभी, माँ जी आप कब आई? तुम जब पुलिस स्टेशन में फोन कर रही थी तभी आई, और क्यों खुद की इज्जत खुद ही चौराहे पर निकालने पर तुली हो? मेरे और मेरे बेटे के बारे में तुमने बहुत कुछ कहा है, अब वो तुम्हें माफ करेगा या नहीं मुझे पता नहीं। आप लोगों को ऐसा ही चाहिए, समझी? फिर ठीक है बहू, मैं मेरे बेटे को बुला लेती हूँ। ऐसा कहकर रेवती की सास वहाँ से चली जाती है और अपने बेटे को फोन करके घर पर बुला लेती है। ये सब सुनकर रवि हक्का बक्का हो जाता है और जल्दी जल्दी में घर चला आता है। तभी रवि के घर पुलिस आ जाती है। पुलिस को देख रवि, क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? मुझे आपकी पत्नी ने यहाँ बुलाया है, उन्होंने आपकी और आपकी माँ की कंप्लेंट लिखवाई है। क्या? मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है इंस्पेक्टर साहब, ऐसी कंप्लेंट लिखवाई है आपकी बीवी ने। रेवती, तुमने कंप्लेंट लिखवाई है, क्या हुआ क्या है तुम्हें? मैंने सही किया है इंस्पेक्टर साहब, इन्हें लेकर जाओ या इन्हें समझा दो, इन्हें किसी से बात करने की तमीज नहीं है। उसका ये बर्ताव देख रवि और शीला को बहुत बुरा लगता है। पुलिस रवि को बहुत खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चली जाती है। तभी रवि और शीला अपने कमरे में चले जाते हैं, कोई किसी से कुछ बात नहीं करता। तभी रेवती बोलती है, अच्छा हुआ इनको ऐसा ही सबक मिलना चाहिए था, अब आया उठ पहाड़ के नीचे। ऐसा कहकर रेवती दूसरे दिन अपने मायके निकल जाती है। सारी घड़ी घटना रेवती की सास पहले ही उसके माँ को बता देती है, और रेवती के घर आने के बाद रेवती की माँ उससे, रेवती तुझे समझ में आ रहा है तूने क्या किया है? बसा बसाया घर उजाड़ दिया है तूने। वो मुझसे बातें ही ऐसे करते थे, इसीलिए मैंने ऐसा किया, और मैं वहाँ नहीं जाने वाली। मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, कल को अगर हम तुझे कुछ कह दे तो तू हमें जेल भेज देगी, इसीलिए तुम मेरे घर में नहीं रह सकती। मैं कहाँ जाऊंगी माँ? कहीं भी जाओ, तुमने जो किया है वो बहुत बुरा किया है, अब तुम उनकी माफी मांगो और तुम्हारे अपने घर जाओ, समझी? ऐसा कहकर राधा घर में चली जाती है, और रेवती को अपनी गलती का एहसास होता है। वो मन ही मन, मैंने अपने घर वालों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, मुझे उनसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, क्या पता मुझे माफ़ कर दे तो। ऐसा मन में सोचकर रेवती उसके घर चली जाती है। तभी उसकी सास, अब क्या रह गया है बहू? माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। अरे तुम किस मुँह से माफ़ी मांग रही हो रेवती? अगर मेरे बेटे ने तुम्हें माफ़ कर दिया है
तो ही मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। हाँ माँ जी, मैं उनसे भी माफी मांगती हूँ। और अब क्या रह गया है रेवती? मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मैं आइंदा से ऐसा नहीं करूंगी। रेवती फूट फूट कर रोने लगती है, तभी रवि उसकी गलतियों को माफ कर उसे गले लगा लेता है और तभी से रेवती अपना स्वभाव बदल देती है। अब वो घर में सारे काम मन लगाकर सीखती है और बड़ों का सम्मान करती है। अब वो पहले वाली बेशरम बहू नहीं रही थी, अब वो संस्कारी बहू बन गई थी। दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस स्टोरी को लाइक और शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।